अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम जाएंगे हमारे दोस्त के खेतों में और वहाँ पे वो लोग चारा काट रहे हैं और गांव की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे दोस्त जा रहे हैं नदीम भाई, तो अभी हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं और गांव की जो लाइफ है वो देखेंगे कि लोग सुबह सुबह उठ के जो भैंसों के लिए चारा लेके आते हैं वो किस तरह से लेके आते हैं, काटते हैं। ये जी गांव का नज़ारा है पूरा, आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा है गांव का। ये चारा काटा जा रहा है। शाबाश शाबाश, बैठी जाओ भाई। मुंडा बेचा अंडा वीडियो। हाँ बेचारे नदीम साहब, बिला जी पढ़ी जा रहे हो, बोलता ही नहीं बंदा। क्यों ऐसे काम अनु ठीक है। शाबाश नदीम, पल्ली बिछाई है, शाबाश। जी पिंड का माहौल देखो जी, सरिया साग नदीम। जनाब राया ते सरयो साग है, साग ही सही। जनाब है मूलियां ने, तो जनाब चोरी नदीम साहब मूलियां पट के भाव जरा। है जी सरयों का साग जेडे पिंड ताज़ा मिलता, ताज़ा लगा हुआ जी। उस तो बाद मूलियां लगी हुई ने, पट्टो हाँ जरा मूलियां। जनाब एक अभी मूली पट के भाव हाँ शहरी शहरी लोगों को। यह देखो जी थोड़ा पिछे हो गए, रोशनी आवन दी इतों बट सब। अच्छा जी लो जी, है ताज़ा, इस तो ताज़ा मूली तुम्हें कितों नहीं लग सकती, बेहतरीन मूली तो ताज़ा मूली पेंड की बीजी हुई जबरदस्त ताज़ा मूली। सही अच्छा जी, हूँ अस वेखांगे बिल। असं बिल बिल जो पिंड होंगे ने आम खावन वाले, वो बड़े जबरदस्त हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे भी। ये बिलों का जो दरख्त है जी, देखें कितने ज़बरदस्त इस पर बिल लगे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये वाला इस साइड से आके ये जी बिल लगा हुआ है, ये वाला बिल है जी। इसको लोग अमूमन खाते ने, आम पिंड पंजाबी जी गल कर रहे हैं, इन्होंने पिंड ही खाते ने। तो बड़ा ज़बरदस्त बिल हों, गर्म हों, तो सेहत वास्ते काफ़ी मुफीद है। जिन्हें भी बुजुर्ग लोग ने उस चीज़ में इस्तेमाल कर देने, दवाई भी कर देने, वैसे भी खाते ने। है जी पिंड पिंड इलाका जी, है बिल देखो कि बड़े शादो नादर लभदे ने, तो बड़े घट हो गए ने पिंड, लेकिन बड़े खूबसूरत लगते ने। तो नाले इन्हों अमूमन लोग कच्चे होंगे ने पका के खाते हैं। देखो जी ए ने बिल है जी, पिंड की लाइफ की जड़ी हैगी है, सारा सिस्टम थोड़े सामने है जी। सरयों का साग है जी, असी एक बिल उतारने हैं तो उन्होंने तोड़ के खाने हैं बिल।
जी बिल तोड़ लिया, तुम खाने अंदरों किस तरह का होंगे। नदीम भाई जरा चलो हाँ जरा है बिल खोल के हवा अंदर किस तरह का नहीं भाई है नहीं खुलेगा। चेक तो करो जरा, ट्राई तो करो सख्त ज्यादा। नहीं ए जरा जो पक जाता ना उतो खोली दे तो उतो अच्छा जायका होंगे ना। सही है जरा फल आम तौर पर नहीं मिलता। ये फल कितों मिलता है आम तौर पर क्यों नहीं मिलता? नहीं ए बहुत कम है पाकिस्तान के इंडिया के भी है। सही ये तो फायदे की ने ए भाई ये जो पक जाता ना यू तोड़ो तोड़ के गुद कड़ो गुद करके सुकाओ सुका के दवाई बनती। सही दवाई कहने वास्ते जे गोडे गिटियां दी या कांदी गोडे वगैरह जने दर्द कर देने हड्डा जोड़ा दर्द हड्डा जोड़ा दर्द वास्ते। सही है बिल बड़ा मुफीद है बिल्कुल अच्छी चीज है बहुत गर्म होता ना। सही ये ज्यादा नहीं थोड़ा ते खान तो बाद दूध भी पीना चाहिए हल्का फुल्का। अच्छा ये खान तो बाद दूध पीना चाहिए तो जिन्होंने शिकायत होती गोडे गिटे उन्हें दर्द करते हैं वो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि बड़ी मुफीद शह आ देसी शह तुसी वेख लो जनाब है जे पिंडा का असली ते फ्रैश बिल। शाबाश मुंडा छेती कर ओए और जी अजकल जरा करोना सिस्टम चल रहा है वेखो साढ़े भाई ने पिंड के रहने वाले लोग ने पिंड उन्होंने वेखो जी दस्ताने पा के बेचारा कट रहे हैं इन्हें ख्याल रख रहे हैं मास्क ना लाया कोई नहीं लेकिन पटे दस्ताने पा के बढ़ते पैने। हाँ दीम साहब और कुछ सुनाओ करोना बारे की ख्याल है थोड़ा? अच्छा यार असी पुछांगे आज बाबर आजम तो इल्ज़ाम लाया कि लाहौर की कुड़ी ने कि उन्हें मेरे नाल 10 साल मैनू हरासा किया मैनू तंग किया उन्हें मुख्तलिफ इल्ज़ाम लाए ने ते तुसी दसो भाई नालों अपना कर्म जारी रखो नाले दसो कि वो लड़की सच कह रही तुहानू बाबर आजम नू वेख के लगता है कि कुड़ी सच कह रही या फेक बोल रही? यस सच कह रही है। नहीं बाबर आजम अपने लग रहे तो इस तरह नहीं दे तुसी दसो सच कह रही है तुसी आपदे तजुर्बे नाल दस सकदे जी कि लड़की सच कह रही है? आपदे तजुर्बे नाल ओहदे कोल एक एक शायद दी रिपोर्ट एविडेंस सारा कुछ कोल लई बैठी हो गलत कह सकदी? सही ओली ओहदे आईडी कार्ड दी कापी दिखांदी हॉस्पिटल दे सारी रिपोर्टां दिखांदी ओह झूठ मार रही। सही ओह किवें झूठ मार यानी कि नहीं कुछ लोग कह रहे ने कि बाबर आजम इनोसेंट है ते ओ लड़की सिर्फ शोहरत वास्ते उन्हों औरां नूं बदनाम कर रही मशहूर होने वास्ते कर रही है लेकिन इस नज़रे तो देखा जाए कि कोई लड़की जी अपना इस तरह ना तमाशा नहीं बनाएगी शोहरत वास्ते ते क्योंकि एविडेंस कित्थों आए हॉस्पिटल फेक ने पाकिस्तान दे फिर। सही यानी कि तुहाडे नज़र च ये उन्हें सच्ची गल है बाबर आजम साहब इस तरह के है सिर्फ पाकिस्तानी टीम नू कमजोर करन दे एक जरिया बनाया गया। नहीं तुसी ये कहना चाह रहे कि लड़की ने जो इल्जाम लाए वो बेबुनियाद ने सिर्फ शोहरत वास्ते ने या उन्हें किसी को पैसे लैके उन्हें उन्हें बेबुनियाद इल्जाम लाए तुसी ये? बिल्कुल इस तरह ही है। इस तरह ही है बिल्कुल सही। चलो जी असी तो हम चर्चा ही कर सकते हैं तो अच्छा जी नदीम साहब तुसी ये गल दसो कि जिहड़ा हुण मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे ने वो पाकिस्तान नहीं आ रहे इहदा की चक्कर है? वह बाहर बैठे ही कही जा रहे हैं कल अखबार च भी लिखा हुआ सी
कि मियाँ साहब ने गल की है, अखबार के विच ये रिपोर्ट आई है कि मियाँ साहब ने यह गल की है कि मेरी माँ के जनाजे सिर्फ थोड़े ही लोग सी, उन्होंने ज़्यादा लोग होने चाहिए सी, वो अपने लीडर से यानी कि भरम भी हुए हैं। तुम इस बारे की ख्याल रखते जी? ठीक है, जो लीडर उन्होंने कोई अखबार ही नहीं रहा है उन्होंने लोगों का, नवाज शरीफ तो फिर एवं ही होना सी, अगर उन्होंने कोई उन्हें लगाओ हों तो आते भी जनाजा ले। सही लगाओ ही नहीं। नदीम भाई तुम की कहोगे कि तुम सियासत कोई नज़र पाओ आपकी भी नवाज शरीफ साहब हम बहर उन्होंने पाकिस्तान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो कह रहे हैं घूमर बड़ी जालम है तो सुनती नहीं किसी की। भाई ये गल है भी जेड़ा ना वो इतने आ नहीं सकता क्योंकि वो इस टाइम आर्मी के खिलाफ बोल चुका है, तो पाकिस्तान के आर्मी हैगी जी पाकिस्तान लड़ फिर दी नहीं तो पाकिस्तान का किस काबिल। यानी कि तुम कह रहे जे कि पाकिस्तान की आर्मी की बड़ी सपोर्ट है, अल्लाह की सपोर्ट है, तो तुम यानी कि कह रहे जे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने पार्टी ने फौज के खिलाफ जो बयान दते ने वो उन्होंने थोड़े नज़र है कि उन्होंने गलत किया, उस वजह तो उन्होंने कई जड़े है जोड़े पार्टी वर्कर ने या लीडर ने उन्होंने यानी कि बड़ा कम छड़ भी दिता उन्होंने पार्टी ने, उन्हें खिलाफ भी हो गए ने काफ़ी लीडर नून PTI शामिल होए ने या दूजिया जमात चले गए हैं, तो तुम्हें लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो बयान ने गलत ने? बिल्कुल गलत। चलो जी अल्लाह उन्होंने हदायत दे, सारा हदायत दे। हाँ जी पाकिस्तान सलामत रखे। जनाब पट्ठे साढ़े पूरे होए कि नहीं अजे वो इन्हों रखो चलीए। हाँ बिल तो चक लो यार। चलो जी बन के भाव पांड कि बनी थी शहरी केक बच्चों शाबाश जबरद। अच्छा जी इंज पांड बनते ने सुबह, तुम सुबह कि भी उठते जी जनाब? साढ़े पांच भी उठ के तुम नमाज पढ़ते, नमाज सुबह तुम पठिया आ जाते जी? सही। अच्छा उठ के तुम जे डर चाहते जी? सही। चलो जी सोने लगते पे। चलो जी हम तुम इन जाके कितने करोगे, उतरोगे इन्हों? सही अभी इसको इन्हों हूँ कुतरेंगे जी चौधरी नदीम साहब। असं हम जा रहे हैं जी टोके की तरफ रवान दवा, काफिला जरा टोके की तरफ रवान दवा हो गया है। नदीम भाई आप अभी हम जो है गन्ने का खेत देखने जा रहे हैं, हमारे गांव में गन्ने का खेत है, तो ये हमारे गांव का जो मंजर जिसको कहते हैं जिन्हों मंजर कहने वो चीज़ है जी वेख सकते अजकल जरा पानी घट आ रहा जो वजह तो इस तरह की हालत है विलेज लाइफ। नदीम साहब शाबाश है जी गन्ने का खेत है जी, असं हम जान रहे हैं अगे। जी पिंडां दी लाइफ है जी। जी बाइक पे जा रहे हैं, बाइक जा रही है सड़क तरफ रवान दवा है, असं हूँ गन्ने के खेतर च जा रहे हैं जी। ए साढ़े पिंड की जी चूहल है, अस दो मिनट ब्रेक ना ला लीए लगा टाइम वाइज टाइम पूरा। चलो जी पिंड का पूरा पप्पू मोहाले क्यों दीप साहब
नदीम साहब पिंड मझा किस तरह उन्होंने बनिया हुई हैं इतने बहर डेली इस तरह रूटीन से बनते हैं मझा तो शाम घर ले जाते हैं बिल्कुल इस तरह ही सही अच्छा जी दिन यानी कि मझा इस तरह बन दें तो रात को घर ले जाते हैं बिल्कुल क्योंकि रात को पिछले टाइम चारे वास्ते ले जाते हैं चारा खवाते हैं बाद चो लेंगे डंगर जो चोन वाले होंगे चो लेंगे वैसे बन लेंगे अंदर बन देने रात में ठंड भी हो अंदर बन लेंगे दिनें बाहर रख देने ताकि धुप लगे डंगर का जरा जिसम खुले सही चलो जी फिर चलो हम खेतों की तरफ जी मो गन्ने वाला खेत आ गया मोहरी बना ला चल ला के चल मोहरी आ मोहरी कौन है यार नदीम साहब कहां दे ने मूंगरी दे खेत में बिल्कुल है मूंगरी सही बहुत अच्छी होंदी बाकी वास्ते आ जी मूंगरी दे खेत ने जराब मेरे पिंडा च मूंगरी आम होंदी है आ उगदी है जी टूट के ते शहरां जांदी है जिन्नू आपा मूंगरे कहने हैं मूंगरे आ देखो जी आ मूंगरे ने जी आ मूंगरे ने छोटे किधर जा रहे हो चलो नदीम साहब अद्धे घंटे की बड़ी नहीं चल गन्ने कट के खा ले हाँ जी नदीम साहब थोड़ा है गया कमाद है गया हाँ जी बिल्कुल सही शहर में लोग तो आम गन्ने जूस पींदे ने या पींदे ने गनेरियां खांदे ने चूपदे ने अज खेतर वेख लो जी चलो जी नदीम साहब पट के बहाओ जरा कहना किमें पट्टी दे किस तरह छिली दा किस तरह यूज करी दा प्रोसैस दसो जरा सानू नदीम साहब हम सानू कहना पट के बहाँ दे असि वेखने की सीन है
है जी गन्ना जिन्हों असी कहने जे आम तुसी गनेरियां खाते सारा कुछ करते जी है जी भाजी गन्ना है वेखो जी नजीम साहब इन छिल के वहाओ जरा गने ਜਰਾ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜਰਾ ਇਹ ਜੇ ਗੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਗੰਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਗੰਢੇਰੀ ਇਹ ਗੰਢੇਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਚੋਪਨੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਬ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈ ਦੀਨ ਬਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇਸੀ ਗੰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਥੋਮ ਇਹ ਥੋਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਥੋਮ ਹਾਂਜੀ ਥੋਮ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋਮ ਦੇਸੀ ਥੋਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਕ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਲਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕ ਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਹਾਉਣੇ ਆ ये मेथी है जो शहरों में लोग खाते हैं ये मेथी का पौधा है आप देख सकते हैं ये मेथी का पौधा है ये लोगों ने घर में मेथी लगाई हुई है
ਨਦੀਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁਝਾਈ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚੋ ਗਾਣਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਗਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਗਣੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਗੇਗੀ ਉਗਣੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੁੱਪਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਹੋਂਡਾ 100 cc ਚਲੋ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਪਈਏ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਗੰਨਾ ਚੁੱਪਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੰਨਾ ਚੁੱਪਣ ਚੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੋਗੇ ਖਿੱਚੋ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੰਨਾ ਤੋੜਨਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ ਗੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੰਡਾਸਾ ਪੂਰਾ ਗੰਡਾਸਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਗੰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਖੇਤ ਦਾ ਗੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫੋਕਾ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ
स्पेंड लाइफ। अज मिट्टी भी पट्टी जा रही है जी, शेखम की हवेली बनी हुई है जी। जी सामने प्राइमरी स्कूल आन डया, आया जी साढ़े पिंड का स्कूल है जी। देखो जी दीवारों पे काफ़ी हिफाजती सामान लगा हुआ है, दरवाजे पे पाकिस्तानी परचम चम गया जी। चलो जी नदीन भाई है जी, पट्ठा आ गया जी, इतने बन दिया पे जी इटा, तो असी कोशिश करने हैं कि तुहानू इटा बन दिया भी विखाइया विखाइए किस तरह इटा बन दें। पट्ठे तो लोग कम करते पे ने, पहला बनाते हैं कच्चिया इटा फिर बन दिया जी पक्या इटा। ऐ पट्ठा चल रहा जी, ऐ लोग कम कर रहे हैं। सुना जाओ जी की हाल सर। चलो जी तुम असं विखाने हूँ पट्ठे तो इटा कच्चिया किस तरह बन दी। बाई हरे जे मिट्टी भर रहे हैं, ये हम मिट्टी भर के अगे लैके जावे, तो मिट्टी तो बाद दूसरे भाई को चलने जोड़े पहले तो इटा बना रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाई, की हाल ठीक है जी। माशाल्लाह जी, यह जी नाज़रीन देखो तुम इटा बन रही हैं जी। नहीं नहीं मेहरबानी, यह इटा इस तरह मिट्टी पा देने, फर्मा जहा बनया हो इस तरह इट तैयार हो गई जी। भाई ये कितने देर जी तैयार हो जाती है? अच्छा महीना सुकन, तो सर्दियाँ महीना लग जाना सुकन, तो गर्मियाँ सही गर्मियाँ एक दिन यानी कि सुक जाती आइटम सही 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 ठीक। ये शाम को सट्टांगे यूट्यूब चैनल। कोई गल नहीं, वेखना वास्ते बंदे भी है क्या चाह रही मिट्टी लैन दी जनाब। इटा मारनी है जी, उस बाद वो सामने पट्ठे ते जाके पक्कन दी इटा। ओके हो गया जनाब, मेहरबानी शुक्रिया। है मिट्टी है जनाब, है कितनी देर भोंके रख दे भाई? अच्छा रात नूं पई रही, सुबह तैयार होंदी सही। इन मिट्टी कोई स्पेशल भी पैंदा है कि सिर्फ खाली मिट्टी है? हाँ जी नमक नमक पैंदा सही। चलो जी बड़ी मेहरबानी जी।
हाँ भी मुंडे हो की हाल थोड़ा। हाँ चाचा जिंदाबाद। हाँ जी भट्ठे की पकाई हो रही इटा पार सही लगातार। हाँ मुंडे हो जी मुंडे इटा पका रहे जी बिच पकाई कर रहे हैं जी। साढ़े पिंड का शादी हाल जी घोड़ा शरीफ पिंड की सड़क आ गई जी मैं लगातार जी मैं कुत्ते ने छेड़िए लगे चलने लगे चलने टैंकी जी साढ़े पिंड की टैंकी पानी वाली टैंकी जिथों पूरे पिंड नूं पानी सप्लाई होंदा जी टैंकी दा राह जी पराली चलो जी असी देखने हूँ जी आपके पिंड की टैंकी
है जी। टैंकी हो गई है बंद, चलो वापस चलिए। जी पठे इन्हें तो लैके आने जी, पोती तो लकड़ की रेहड़ी जी, आवाम इतों पठे लैके आने। चलो जी जी मझा भैंसे आराम फरमा रही हैं। अच्छा की हाल है, ठीक है। किधर जाइए फिर, वो पहले खेत चलिए किधर बूटे खड़े ना कदर। हाँ इधर मेरे शाक वाला मरूद से बूटे खड़े ना कदर खेड़े खेत। वीडियो सड़ता तो होता है जी पिंड की मस्जिद मल्लू की सड़ता होता है वीडियो। चलो आ जाओ जी जनाब, नींबू दस्त जी। नींबू का दरख्त है जी, नींबू लगे नहीं हुए, नींबू इस टाइम लै जाते हैं मौसम ठंडा हो बन रहे नींबू सही।
हाँ जी केले दरख्त ने जी साढ़े पिंड बेरी का दरख्त देखने जा रहे हैं हम। दीम साहब पिंडा जरा हों डेरा जहा बनया हों बहर उधर आप वेखना है जिते डंगर उंगर बनते ने या बहर चले जाते हैं टिब्बे टुब्बे जिन्होंने कहें ने सामने एक नज़र आ रहा टिब्बा आप वेख के आने हैं सामने टिब्बा नज़र आ रहा कि मकई की फसल है मकई है सही है जी साडा पिंड तो नजर आ रहा जी ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਟਿੱਬਾ
ਆਇਆ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੱਟਾ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵੱਟ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਜੇ ਸਹੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਛਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ